हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मसिन ठाकुर। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है? तो चैप्टर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बेसिकली मीनिंग क्या होता है ना, जो वर्ड केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? कीमिया से आया है, ठीक है? और कीमिया मीन्स क्या होता है? केमिकल, ठीक है? और केमिकल का मतलब क्या होता है? रसायन। तो जो शब्द रसायन शास्त्र है वो काय से आया है? वो आया है हमारे पास ग्रीक शब्द क्या है, ये कीमिया, ठीक है? और कीमिया का मतलब क्या होता है? केमिकल, और केमिकल मतलब रसायन, ठीक है? तो ये ग्रीक वर्ड है कीमिया, ठीक है? तो रसों का अध्ययन हम काय में करते हैं? रसायन शास्त्र में करते हैं, ठीक। फिर हमने बोला जो आपको 11th क्लास को केमिस्ट्री देखनी है वो तीन पार्ट में देखनी, तीन भाग में देखनी है। सबसे पहले हमने बोला ये हो गया हमारे पास केमिस्ट्री, ठीक है? और ये हमें तीन पार्ट में देखनी। कौन कौन से तीन पार्ट है इसके? तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, अगर हम बात करें यहां से ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक रसायन, ठीक है? तो कार्बनिक रसायन में हमें, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें उन एलिमेंट्स का अध्ययन करना है, या उन कंपाउंड का अध्ययन करना है जो कहां से मिलते हैं? लिविंग से मिलते हैं, ठीक है? जीवितों से मिलते हैं, उनका अध्ययन हमें काय में करना है? हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं, जीवितों से मिलते हैं, उसका अध्ययन में कार्य करना है कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? और हमने बोला जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जैसे ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, ये काय से मिलता है? ये मिलता है केन यानी गन्ने, है ना? तो हम इस केमिस्ट्री में उन कंपाउंड की स्टडी करेंगे जो लिविंग बींग से मिलेंगे। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड की स्टडी करेंगे जो काय से मिलेंगे? नॉन लिविंग से, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है NaCl, ये जो है हमारे पास काय से मिलता है? NaCl काय से मिलता है? रॉक से मिलता है, चट्टानों से मिलता है, ठीक है? इन कंपाउंड की स्टडी हमारे पास कार्य की जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हमारे पास हम क्या बोले, अकार्बनिक रसायन, ठीक है? इसमें हम उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो कार्य से मिलते हैं, अजीवितों से, नॉन लिविंग से मिलते हैं, जैसे NaCl कार्य से मिलता है, रॉक से मिलता है, ठीक है? फिर हमारे पास तीसरी बात आई हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, क्या देखेंगे? किसी भी कंपाउंड की क्या देखेंगे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? किसी भी कंपाउंड क्या देखेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी लॉस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी को अगर हम चाहे गर्म करें, चाहे ठंडा करें, या कुछ भी करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम भौतिक रसायन, अगर हम बात करें क्या बोलिए हम, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, ठीक है? तो भौतिक रसायन में हम किसी भी कंपाउंड के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? भौतिक गुण क्या होते हैं, या आप फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिनमें किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी लॉस नहीं होती, है ना? जैसे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी लॉस नहीं होती। इसका मतलब क्या है? अगर आप जैसे पानी है H2O, ठीक है, चाहे आप इसको गर्म करें, चाहे ठंडा करें, बॉइल करें, या क्या करें, इसको कूल करें, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2, आइडेंटिटी इसकी जो है वो लॉस नहीं होगी। तो ये क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें आइडेंटिटी लॉस नहीं होती।
केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल कपूर है, कपूर को आप गर्म करेंगे, जलने पर वो चेंज हो जाएगी इसकी आइडेंटिटी. ठीक है, गर्म करने पर उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी. तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है जिनमें आइडेंटिटी चेंज, है ना, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. ठीक है, वो क्या कहेंगे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री हमारे पास कैसा है. कीमिया वर्ड क्या है, कीमिया मतलब क्या होता है, रसायन. और केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक नंबर वन, नंबर टू इनऑर्गेनिक, नंबर थ्री फिजिकल केमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ द सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The branch of the chemistry which deals the study of the substances which is obtained from non-living source is called inorganic chemistry. While in physical chemistry we see the physical and chemical property of a compound. ठीक, it means physical property are the those property in which there is no change in identity. For example, if you heat the water, if you heat the water, then it converted into H2OV and कूल करते हैं तो काय में कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में. बट देयर नो चेंज इन देयर आइडेंटिटी, नो चेंज इन देयर फार्मूला. वेपर को आप ठंडा करेंगे इधर कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास लिक्विड में. सेम अगर आप आइस को ठंडा करेंगे तो आइस हमारे पास काय में आ जाएगी. आइस को गर्म करेंगे तो आइस काय में आ जाएगी, हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी इन विच आइडेंटिटी चेंज. केमिकल प्रॉपर्टी वो होती जिनमें क्या होता है आइडेंटिटी चेंज हो जाती. तो यहां तक की बात थी इसके जनरल इंट्रोडक्शन में. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है और वो है रिएक्शन. रिएक्शन, रिएक्शन क्या होती है ना, रिएक्शन मींस अभिक्रिया. ठीक है, रिएक्शन मींस अभिक्रिया. रिएक्शन का मतलब क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर, वो हमारे इज नोन एज रिएक्शन. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर, वन सब्सटेंस इनटू अनदर इज नोन एज रिएक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर इज नोन एज रिएक्शन. एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है. रिएक्शन को बैलेंस करने की हमारे पास जनरली चार मेथड है. देयर आर फोर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन. देयर आर फोर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन. देयर आर फोर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन. बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, कौन कौन सी वो मेथड है. तो नंबर वन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है जो हमारे पास वो है हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. दूसरी जो मेथड है वो है हमारे पास पार्शियल इक्वेशन मेथड. पार्शियल इक्वेशन मेथड. तीसरी मेथड है ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीडेशन. नंबर मेथड. और फोर्थ जो है हमारे पास वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक है, हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमान विधि. क्या कहलाती है, अनुमान विधि. पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड आंशिक समीकरण विधि. आंशिक समीकरण विधि. ऑक्सीकरण नंबर मेथड, ऑक्सीकरण संख्या विधि. ऑक्सीकरण संख्या
विधि। एंड फोर्थ वन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी आयन इलेक्ट्रॉन विधि। पहले चैप्टर में हमें केवल हिट एंड ट्रायल और पार्शियल इक्वेशन के बारे में पता करना है, बाकी ये दो मेथड के लिए एक 11th में एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें हम इन मेथड को दोनों को फिर देखेंगे, इनकी बैलेंसिंग अगले चैप्टर में आएगी। एंड देन बिकमिंग वन ऑफ मेथड हिट एंड ट्रायल, है ना, कैसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करेंगे। हिट एंड ट्रायल को मेथड को बैलेंस देखने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, और ये एग्जांपल है Fe, एक रिएक्शन लेनी पड़ेगी, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2O, ठीक। ये जो अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। दिस रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, ये क्या कहलाएगी हमारे पास LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या कहलाएगा RHS राइट हैंड साइड। इधर आयरन हमने ये लिखा Fe के नीचे कुछ नहीं है और आगे कुछ नहीं है, इस स्थिति में आप Fe को कितना मानेंगे, 1। इधर हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है, 2, ये 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा, ये जो दो है हाइड्रोजन का, और इधर कुछ नहीं लिखा, इस स्थिति में ऑक्सीजन कितना कंसिडर होगा, 1। देन फिर हमारे पास इस साइड गए तो हमारे पास आयरन कितना है, 3, ठीक है। हाइड्रोजन ये कितनी है, अगेन 2, और फिर ऑक्सीजन ये कितनी है, 4, ठीक है। फिर आप इतना करने के बाद इस इक्वेशन को द्वारा आप यहाँ पर लिखेंगे Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, ठीक है। इस साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितनी थी, 3, और इधर कितनी है, 1। मेरे को इधर हाइड्रोजन 3 करनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई काय का किया इधर 3 का, है ना। ध्यान रखें मल्टीप्लाई हमेशा आगे होगा, है ना। Fe है, ध्यान रखें जो भी मल्टीप्लाई है आगे होगा, जैसे ये 3 है तो ये Fe के आगे 3 आगे, है ना। 3 Fe के नीचे नहीं लिखना, ये गलत है, है ना, या किसी भी कंपाउंड बीच में कोई नंबर ऐड नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये H2O है, इसके आगे मैंने क्या लिखा, 4, है ना। मैं ऐसा ही करूँगा, H2 मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा, H2O4, ये गलत है। जो भी मल्टीप्लाई करना है मैं आगे की साइड में करूँगा, ये मैंने यहाँ पर आगे का किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको वापस फिर लिखा, ये LHS है, ये RHS है। आयरन इस साइड कितना हो गया हमारे पास, 3। हाइड्रोजन हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, वो है 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, 4, ठीक है। इधर आयरन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ये नीचे नंबर कितना है, 2, और आगे कितना है, 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, 8। बट स्टिल यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2, इसको हमें 8 करना है, तो हमने इसके आगे काय का मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। अब मैंने देखा आयरन 3 है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर काय की है, RHS की। जब LHS बराबर RHS रहता है तब रिएक्शन क्या रहती है, बैलेंस रहती है। तो हमारे पास ये मेथड थी, सबसे पहली मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, ठीक है। ये जनरल मेथड है, इस आधार पर आप दूसरी मेथड को ट्राई करेंगे, उसको कुछ एग्जांपल आप उसके आधार पर सॉल्व करेंगे। ये कुछ एग्जांपल है,
जिनसे आप हिट एंड ट्रायल, इनको आप इन रिएक्शन को आप हिट एंड ट्रायल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस कीजिए। पहली पीबीएस सल्फा, ये पीबीएस प्लस ओ थ्री गिव्स पीबीएस ओ फोर प्लस ओ टू। दूसरा है एनए प्लस एच टू गिव्स एनएच प्लस एच टू। तीसरा है सी टू एच टू प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू प्लस एच टू। चौथा है एन एच थ्री प्लस सी एल टू गिव्स एन टू प्लस एन एच फोर सी। और नेक्स्ट है के सी एल ओ थ्री गिव्स के सी एल प्लस ओ टू। इन पांचों को आप हिट एंड ट्रायल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस कीजिए। देन नेक्स्ट, इसके बाद जो अगली मेथड है हमारे पास, अगली मेथड की बात हम करेंगे। अगली जो मेथड है हमारे पास वो है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड या आंशिक समीकरण विधि, ये काहे के इस्तेमाल होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इस्तेमाल होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक सभी स्टेप में होती है, उनकी बैलेंसिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक इक्वेशन है पीबीएस प्लस ओ थ्री गिव्स पीबीएस ऑफ फोर प्लस ओ टू। आयरन लेड सल्फाइड ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? पीबीएस ऑफ फोर प्लस ओ टू। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे काहे से? पार्शियल इक्वेशन से। इसके लिए मैंने क्या माना कि ओजोन जो है स्प्लिट होकर क्या देता है हमारे पास? ओ टू प्लस ओ। ये ओ जो है हमारे पास अगर अकेला रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन है। क्या कहलाता है? ये अकेला ओ नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तुलना में यानी ओ टू की तुलना में ज्यादा सक्रिय होती है ना। नेसेंट ऑक्सीजन इज मोर एक्टिव कंपेरिजन टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के काम में आती है। अगले स्टेप में क्या हुआ? ये लेड सल्फाइड ने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बना है हमारे पास? PbSO4। यानी ये हो गई ऑक्सीजन और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? बैलेंस करने के लिए फोर। तो PbSO4 बन गया। अब मेरे पास जो ये इक्वेशन है इसमें ये फोर, इसमें ये जो मेन इक्वेशन है इसमें ये नहीं है, ये टर्म नहीं है और ये टर्म नहीं है। तो मेरे को इस टर्म्स को हटाना है। इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया? ऊपर वाली इक्वेशन में काय का मल्टीप्लाई किया फोर का, इससे मुझे कॉमन टर्म्स मिल जाएगा। जब फोर का मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन किस प्रकार की हो गई? फोर ओ थ्री गिव्स फोर ओ टू प्लस फोर ओ। और नीचे यही वाली इक्वेशन पी बी एस प्लस फोर ओ गिव्स PbSO4, ठीक है। और अब मैंने क्या किया? इन इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड किया तो ये जो कॉमन टर्म्स थे ये कट गए, ये फोर ओ कैंसिल हो गया, ये फोर ओ कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? PbS, ठीक है, प्लस फोर ओ थ्री गिव्स PbSO4 प्लस फोर ओ टू। अब मैं इससे हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके देख लूँ कि ये बैलेंस हुई कि नहीं। तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? मैंने बोला पीवी कितना है इधर, पीवी कितना है वन, सल्फर कितना है वो भी कितना है वन, ऑक्सीजन कितनी है फोर थ्री जो 12, इधर पीवी कितना है वन, ठीक है, सल्फर कितना है वन, ऑक्सीजन कितनी है ये फोर है प्लस फोर टू एट, कितनी हो गई 8 ये प्लस 4 ये, ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास 12। अगेन LHS PB1 PB1 सल्फर 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12, यानी LHS बराबर है RHS के। जब LHS बराबर है RHS के तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? बैलेंस है। तो ये थी पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड करने बैलेंस करने के लिए इंटरमीडिएट स्टेप रिएक्शन के पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर ये रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत जाती है। तो आप बुकों में देखेंगे तो आपको इंटरमीडिएट स्टेप दिए कि कैसे हमारे पास कोई कंपाउंड जो है डिसोसिएट होता है वो मेन है, ठीक। यहाँ तक पार्शियल इक्वेशन मेथड की बात है। इस चैप्टर में आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे इस नंबर 9893198931860 इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इस पर पूछ सकते हैं।